दोस्तों नमस्कार, अमीश देवगन का अचानक से एक डिबेट मेरे सामने आ गया और सामने आ गया तो अमीश देवगन तो शिकार बनना ही था, क्योंकि गीदर जो बोलते हैं तो शेर तो उनका शिकार करता है, उनके शब्दों का शिकार करता है, उनकी शब्दावली का शिकार करता है। आज अमीश देवगन ने पहली बार बोला कि आतंकवाद का शिकार गांधी परिवार रहा, और सवाल कर रहे थे तहसीन पूनावाला से कि आतंकवादी शिकार रहा और कांग्रेस कैसे हमास का समर्थन कर सकती है। भाई इन लोगों को बस यही नजर आता है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट भी बन गए ये लोग। कल तक तो सब्जी और शेयर बेगा करते थे ये अमीश देवगन, अब जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के मसीहा बन गए। अपनी डिबेट में ये सारी बातें चलाते हैं, क्रोध आता है, गुस्सा आता है, आक्रोश आता है ये सुनकर कि जब इसके जैसे लोग जब गांधी परिवार को बदनाम करते हैं, गांधी परिवार को गालियां देकर के अपनी डिबेट को सोशल मीडिया पर जो है वायरल कराते हैं, क्योंकि इन्हीं को इसी बात का पैसा मिलता है। यह अमीश देवगन जो हमेशा गांधी परिवार के खिलाफ बोलता था, आज अपनी डिबेट में बोल रहा है कि आतंकवाद का शिकार रहे गांधी परिवार के लोग। जो जो लोग, जो जो व्यक्ति आतंक के साथ होगा, जो जो राष्ट्र आतंक के साथ होगा, जो जो लोग, जो जो व्यक्ति आतंक के साथ होगा, जो जो राष्ट्र आतंक के साथ होगा, उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, उसका हुक्का पानी बंद होना चाहिए, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो गाजा पट्टी हो, चाहे वो कनाडा हो। बात बिल्कुल सही है, आतंकवाद का समर्थन कोई नहीं कर सकता, मासूमों की हत्या का समर्थन जो करता है वो इंसानियत पे धब्बा है, इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं है। लेकिन मेरा तहसीन पूनावाला है, आतंकवाद का दंश तो कांग्रेस ने झेला है तहसीन भाई, आतंकवाद का दंश तो कांग्रेस ने झेला है, गांधी परिवार ने झेला है, लेकिन CWC की मीटिंग में पैलेस्टाइन का समर्थन क्यों, किस लिए, क्या आवश्यकता पड़ गई कि CWC की मीटिंग जो चुनावों पे थी उसमें पैलेस्टाइन का समर्थन कर दिया गया, क्यों, क्या जरूरत थी। थैंक यू अमीश जी, मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ, और सबसे पहले मैं KK सिन्हा साहब को शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारी देश की सेवा की और उन जैसे लोगों की वजह से हम सब सुरक्षित हैं, सो थैंक यू वेरी मच। अमीश भाई, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं जानता हूँ आपकी एक व्यक्तिगत रुचि है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और मिलिट्री अफेयर्स में, इसलिए जो मैं बात कह रहा हूँ हम तू-तू में कहते थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी को समझे, ताकि आपके दर्शकों को थोड़ा सा एजुकेशन मिले, और मैं उम्मीद करूंगा कोई बीच में नहीं बोलेगा जी। कांग्रेस पार्टी का स्टैंड भारत का स्टैंड है, इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है। आज इस वक्त 7:35 या 7:30 को भारत देश पैलेस्टाइन के एस्पिरेशंस के साथ खड़ा है, चाहे देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, नेहरू जी हो या नरेंद्र मोदी जी हो, एक प्रधानमंत्री जी ने भी पैलेस्टाइन के विरुद्ध यूनाइटेड नेशंस में वोट नहीं किया, ये सबसे पहली बात है। पैलेस्टाइन के साथ आज भी भारत खड़ा है। दूसरी बात, पैलेस्टाइन का साथ देना मतलब हमास का साथ देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी और जयराम रमेश बहुत क्लियरली ये कहते हैं कि वी कंडेम द अटैक्स बाय हमास। इनफैक्ट हमास ने जो PLO की लीडरशिप को मिटाया है, फतह ग्रुप को मिटाया है, वो ग्रुप जो भारत के बेहद बेहद करीब है, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अमित जी आप कह रहे थे हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वारिस भाई क्यों नहीं करते, मैं एक्चुअली MIM का बहुत बड़ा विरोधी हूं, मैं समझता हूं MIM BJP की बी विंग है, लेकिन वारिस भाई सही कह रहे, हमास को भारत सरकार ने, वर्तमान सरकार ने एक टेररिस्ट ग्रुप घोषित नहीं किया है, लेकिन मैं कह रहा हूं वारिस भाई कह रहे कि वो टेररिस्ट घटना है, लेकिन भारत का स्टैंड, मोदी जी का स्टैंड पैलेस्टाइन के साथ है। आप प्लीज इस कॉम्प्लेक्सिटी को समझे। मैं एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, देखिए जो हुआ, जो हमास ने किया जिसमें बेगुनाह बच्चे मरे, इसराइल के बच्चे, वो तो एक टेररिस्ट एक्ट था, और इसराइल को पूरा अधिकार है हमास से बदला लेने का, और लेना चाहिए उनको मिटाना चाहिए। अमीश भाई आप बहुत वरिष्ठ हो, आप बहुत जानकार हो, हमास की लीडरशिप कहाँ छुपी हुई है, कतार के अंदर। कतार कौन से मुल्क का सबसे अच्छा दोस्त है, भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। कतार ने भारत को नुपुर शर्मा के ऊपर क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट का डिनर कैंसिल कर दिया। मैं आज आपके शो पे चैलेंज करता हूं, अजय आलोक जी बोल रहे कतार एक टेररिस्ट स्टेट है, हमास की लीडरशिप को छुपा रहा है, अमीश जी आप भी जानते हैं उनकी लीडरशिप कतार में छुपी है,
अपनी जगह है, लेकिन कतर इज अ मुस्लिम कंट्री, उनके लिए पहले धार्मिक हित है, उसके बाद बाकी सब चीजें आती हैं। वी ऑल नो द फैक्ट अबाउट सऊदी में क्यों नहीं है, ईरान में कोई लड़ाई नहीं है, यूएई ने कौन सा समर्थन कर दिया है, पॉइंट वो भी आता है। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी तक का नाम सुना देता है, केवल इसलिए क्योंकि मोदी ने एक गलत कदम लिया। जिस मोदी को पैलेस्टाइन गवर्नमेंट ने एक क्रॉस दिया था, फिलिस्तीनी गवर्नमेंट ने, उस पर यह पत्रकार बात नहीं करते। चलिए मैं दिखा देता हूं कि मोदी ने दौरा किया था फिलिस्तीन में और वहां की गवर्नमेंट ने इनको मान सम्मान दिया था। ये गुल्लू में बाद में आएंगे, ये साले, सॉरी भाई, साले तो साले होते हैं ना, इनकी बहन भी आई है हमसे, तो साले हैं। ये सुनिए, मतलब ये देखिए आप कि किस तरह से चल रही। दोस्तों आपने देख लिया होगा, आपने जान लिया होगा, आपने पहचान लिया होगा इन लोगों का काला चेहरा। जो लोग गांधी परिवार के बारे में बोल रहे थे, वहां तहसीन पूनावाला अपनी सारी बात खत्म कर देते हैं। भाई बात तो बहुत चल गई, और ये क्या है, अमित देवगन बोलता बहुत है, दलाली करने वाला ये आदमी जिसको लगा दिया प्रधानमंत्री मोदी की सेना ने, बीजेपी आईटी सेल ने, कि ये दलाली करो, तो दलाली करनी शुरू कर दी। लेकिन ये बात सही बोली कि गांधी परिवार शहीद हुआ था, ये पहली बार किसी ने स्वीकार किया है कि गांधी परिवार शहीद हुआ था, केवल इसलिए क्योंकि मोदी ने समर्थन कर दिया इज़राइल का, तब इसलिए ये सारी बातें की गई। और जो है हमारे तहसीन पूनावाला साहब से पूछी गई। मुझे शर्म आती है दो रंग मीडिया पर। काश अमित देवगन आज हमास और इज़राइल को छोड़ करके देश के युवाओं के रोजगार में बात कर रहे हो, किसी बीजेपी के नेता को अपने सवालों के कोठरे में बिठा करके बात कर रहे होते। ये सब्जी मंडी के लोग जो सब्जियां बेचते थे, जिन्होंने सत्ता बेचने में, उसकी नीलामी करने में इतना काम किया है, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। कल तक कमोडिटी बेचते थे ये, कभी अब इस चैनल पर पत्रकार बन गए, अब ये देश बेचते हैं, देश की नीलामी लगाते हैं, भावनाओं की नीलामी लगाते हैं। मुझे शर्म आती है सोच करके कि जो लोग इनके सारे प्रोग्राम पसंद करते हैं। हालांकि इंडिया जीत जाएगा अफगानिस्तान के खिलाफ, लेकिन क्या इंडिया इंडिया से जीतेगा? क्या इंडिया के बेरोजगार लोग जीतेंगे? क्या इंडिया की मजबूर औरतें जीतेंगी? कौन लाएगा सवेरा उनके लिए? खाली राजनीतिक पार्टियां अपना घोषणा पत्र जारी करेंगी तो कौन सा मीडिया देश को सच दिखाएगा? सवाल इस बात का है, और सवाल अधूरे रह जाते हैं दोस्तों, और सवालों की मतलब कभी खत्म ही नहीं होते, रह जाते हैं अधूरे, क्योंकि जब हमारे देश में पत्रकार बिक गए हो, न्यायपालिका बिक गई हो, किसका आसरा बचा? जी दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। अमित देवगन कभी थे मंडी बेचने वाले, आजकल सत्ता बेचने चले हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।